छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ बुशरा, और सबसे पहले खबर छत्तीसगढ़ से ही, जहाँ छत्तीसगढ़ के चित्रकोट में हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राजमन बेंजाम ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी के लठूराम कश्यप को 17,862 वोटों से शिकस्त दी है। नतीजों ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस को मिली इस जीत के साथ ही बस्तर संभाग से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है, यानी उपचुनाव में मतगणना शुरू होते ही पहले चरण से ही कांग्रेस उम्मीदवार रामजन बेंजाम ने बढ़त बनाना शुरू कर दी थी और ये बढ़त 17 चरणों में हुई वोटों की गिनती के साथ लगातार जारी रही। इस बीच संभावना जताई गई कि किसी राउंड में बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मीराम कश्यप आगे निकलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। मतों का अंतर कम ज्यादा जरूर हुआ था, लेकिन रामजन बेंजाम बढ़त पर बने हुए थे। नवे राउंड के बाद ही ये बढ़त इतनी ज्यादा हो गई थी कि बीजेपी उम्मीदवार के लिए पार पाना मुश्किल हो गया था। भूपेश बघेल की सरकार और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का दिशा निर्देश, आज ये स्थिति है कि बस्तर भाजपा विहीन हो गया। बस्तर में भाजपा का परचम लहराने वाला, भाजपा का झंडा फहराने वाला कोई नहीं बचा है। भाजपा का बस्तर विहीन होना भूपेश बघेल जी और मोहन मरकाम जी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन मरकाम जी की नीतियों का 10 महीने में जो उन्होंने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी का नाम लेवा छत्तीसगढ़ के अंदर में अगले चुनाव में नहीं बचेगा। कि जिस तरह से प्रदेश में बीजेपी की हालात थी, बस्तर में उनका सुपड़ा साफ होना बिल्कुल तय था। बस्तर विकास प्राधिकरण बना करके जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदिवासियों की जमीन वापस लौटाई, वहाँ के कार्यकर्ताओं की जीत है, रीति नीति की जीत है। जो कांग्रेस सरकार ने विजन वाइज काम किया, ये उसकी जीत है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। यूपी झारखंड और दिल्ली प्रवास से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चित्रकूट उपचुनाव में हुई कांग्रेस की धमाकेदार जीत पर चित्रकूट की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई दी। सीएम बघेल ने कहा है कि बस्तर की जनता ने कांग्रेस सरकार के कार्यों पर अपना विश्वास जताया। साथ ही सीएम ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों पर कहा कि दोनों ही राज्यों के परिणामों से स्पष्ट हो चुका है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी से जनता का भरोसा उठ चुका है, इसलिए त्रिशंकु जैसी स्थिति बनी हुई है। सीएम ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात पर कहा कि दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से सकारात्मक चर्चा कर छत्तीसगढ़ की लंबित योजनाओं को जल्द पूरा कराने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा का सकारात्मक लाभ मिलने की उम्मीद है। और अभी जो चित्रकूट में जो रिजल्ट आए हैं, वो हमारे लिए हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यक्रमों पर मुहर लगाई है। चित्रकूट की जनता ने, वहाँ के मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, कार्यकर्ताओं को भी, और विशेषकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सभी मंत्री और विधायक। चित्रकूट उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी खेमे मायूसी है, जहां चित्रकूट में बेहतर प्रदर्शन उम्मीद में बैठी बीजेपी अब हार की समीक्षा करने की तैयारी में है। हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार ने प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर चित्रकूट उपचुनाव जीता है, वहीं इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा। इस सवाल के जवाब में रमन सिंह ने कहा है कि पार्टी बैठक कर इस पर मंथन करेगी। इस प्रकार सत्ता पक्ष ने प्रशासन का खुला दुरुपयोग किया, प्रशासनिक इकाई और प्रशासनिक तंत्र का राजनीतिकरण किया, तो बड़ा एक प्रभाव उसने दिख रहा है कि सचिव से लेकर सरपंच तक, नीचे स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों तक, सबको एक प्रकार से कांग्रेस के पक्ष में काम करने के लिए न केवल मजबूर किया, बल्कि उनको आखिरी दिनों के वोटिंग के लिए भी तैयार किया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ संपादक मनोज सिंह बघेल जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जैसा कि देखा जाए बीजेपी ने अब हार की समीक्षा करना शुरू कर दिया है, जाहिर तौर पर अब वो उन बातों को ध्यान में रखने की कोशिश करेगी, उन पर सोचेगी, विचार करेगी कि आखिर कौन सी वो वजह रही जो हार का सामना बीजेपी को इस सीट पर, यानी चित्रकूट सीट पर भी करना पड़ा। निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ये चिंता का दौर है, खासतौर पे जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक था और कुल 90 में से 15 विधायक ही जीत कर आए थे, जबकि
ये जो दल बीजेपी है वो 15 सालों से सत्ता में काबिज थी और कहीं न कहीं सत्ता विरोधी लहर का उसको सामना करना पड़ा। और जिस तरह से कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र तैयार की थी और जिस तरह से उसमें लोक लुभावन वायदे किए गए थे, उस हिसाब से जो है पूरे विधानसभा चुनाव जो 2018 में हुए थे उसको इस रूप में देखा गया था। और इसके बाद जिस तरह से दो उपचुनाव हुए, पिछले महीने दंतेवाड़ा का उपचुनाव हुआ था, वो सीट जो है वहाँ के जो भाजपा विधायक है भीमा मंडावी, उनकी नक्सलियों द्वारा जो हत्या की गई थी उसके बाद खाली हुई थी, उस पर चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी ने काफी जोर लगाया था और मुकाबला वहाँ पर जो है कांटे का रहा, बराबरी का मुकाबला रहा और आखिरी में जो है कांग्रेस को वहाँ जीत मिली थी। और उसके बाद चित्रकूट में जो अभी चुनाव हुआ और जिस तरह से वहाँ पर एक तरफा जीत हुई कांग्रेस की, वो तस्वीर भी लगभग पहले ही सामने आ रही थी। और ये कहा जा रहा था कि चूंकि वहाँ पे दो बार लगातार दीपक बैज कांग्रेस के विधायक रहे हैं वहाँ से, और उसके बाद उन्होंने बस्तर लोकसभा सीट से भी जीत हासिल की थी और उसके बाद ये सीट खाली हुआ था, तो लगभग ये पहले से तय माना गया था कि चित्रकूट की सीट जो है वो कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर ये था कि सरकार ने उस इलाके में आदिवासियों के लिए बहुत सारा काम किया था, खासतौर पर जो लोहंडी गोड़ा में टाटा स्टील को जो जमीन सरकार ने दी थी और उस जमीन को सरकार ने आदिवासियों को वापस किया था, उसका बहुत अच्छा जो है प्रभाव वहां पर देखा गया था। वहां के आदिवासी काफी खुश थे कि उनकी जो पैतृक जमीन है उनको वापस दे दी गई थी। इसके अलावा आदिवासियों के हित में कई निर्णय प्रदेश सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने लिए थे और इन सब वजहों से ये माना जा रहा था कि जो चित्रकूट है वो फिर से कांग्रेस की झोली में जाएगा। तो लगातार तीसरी बार पिछले 2013 और 18 के चुनाव में वहां से दीपक बैज जीते थे चित्रकूट से, और अभी जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी कांग्रेस ने एक बार फिर बाजी मारी और उन्होंने भाजपा के जो लच्छू राम कश्यप हैं, जो पहले विधायक वहां से रह चुके हैं, उनको 18,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने परास्त किया। जी, देखिए समीक्षा का दौर तो शुरू हो गया है मनोज जी, और जैसा कि बस्तर संभाग की अगर बात कर ली जाए तो बस्तर संभाग में 12 सीटों पर अब क्योंकि कांग्रेस आ गई है तो लगभग सुपड़ा साफ ही हो गया है बीजेपी का बस्तर संभाग से। लेकिन जब बीजेपी से इसके पीछे कारण पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं दबे लफ्जों में बीजेपी ये बात भी कह रही है कि पहले से ही दबदबा चित्रकूट सीट पर कांग्रेस का बहुत लंबे अरसे से रहा है, लेकिन साथ में ये भी मीडिया एनालिसिस के हिसाब से बातें निकलकर सामने आई हैं कि बीजेपी की इस बार टक्कर इस बात से नहीं थी कि जीतना कैसे है, बल्कि इस बात पर थी कि वोट प्रतिशत कैसे कम कर दिया जाए, यानी कि वोट किस तरीके से वोटर्स जो हैं उनकी संख्या खींचने में हम कितने माहिर हो पाते हैं, इस बात को लेकर ज्यादा ध्यान था। देखिए ये करीब करीब पहले ही तय था, खासतौर पर जिस तरह से दंतेवाड़ा में हार हुई थी, दंतेवाड़ा में भाजपा ने काफी जोर लगाया था, डॉक्टर रमन सिंह का रोड शो हुआ था, इसके अलावा सहानुभूति लहर मिलने की जो उनको उम्मीद थी और ये कहा जा रहा था कि चूंकि वो सीट भाजपा की रही है और नक्सली हिंसा में जिस तरह से विधायक भीमा मंडावी शहीद हुए थे तो उनकी पत्नी ओजस्वी मंडावी को वहां से उम्मीदवार बनाया गया था, और उस सहानुभूति की लहर जैसी स्थिति के बाद भी यदि वहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की तो भाजपा ने एक तरह से ये माइंडसेट कर लिया था कि चित्रकूट की सीट जो है वो बहुत टफ है। जब दंतेवाड़ा जहां पर वो लीड में दिख रहे थे, शुरुआती कैंपेनिंग में बहुत आगे थे कांग्रेस से, हालांकि बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां पर मोर्चा संभाला था और लगातार वहां मेहनत की जिससे परिणाम जो है उलट हो गया और कांग्रेस को वहां जीत मिली थी, तो बीजेपी ने पहले ही मान लिया था कि चित्रकूट जो है चूंकि दो बार से लगातार वो वहां से हार रहे हैं और उपचुनाव है, और खासतौर पे ये एक ट्रेंड होता है कि जब कहीं पे कोई नई सरकार बनती है और खासतौर पे शुरुआती जो 5 साल के शुरू के दो तीन साल हैं उसमें आम जनता भी ये समझती है कि सत्ताधारी दल का यदि विधायक होगा तो वो हमारी समस्याओं को अच्छे से सुन सकेगा, तो इस बात का एक एडवांटेज भी रहता है सत्ता पक्ष को, और यही चित्रकूट में भी हुआ और इसलिए भाजपा को इसमें बहुत ज्यादा बीजेपी पहले से माइंड सेट कर चुकी थी कि कहीं ना कहीं हार मिल सकती है, लेकिन फिर भी कोशिश इस बात को लेकर थी कि जो अंतर है वोटों का वो बहुत कम कर लिया जाए जिससे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में धीरे धीरे अपने आप में सुधार ला पाए, क्योंकि बहुत अरसे से चित्रकूट सीट उसके खाते में रही है, कांग्रेस के खाते में रही है।
हाँ, ये कोशिश तो होती ही है, जब भी कोई चुनाव होता है तो कोशिश तो होती है, जीत की ही कोशिश होती है हमेशा। जो प्रत्याशी बनाए जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी उतारे जाते हैं और कोई न कोई ऐसा मुद्दा उठाकर वहाँ के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश होती है और सरकार की विफलताओं को सामने लाने की कोशिश होती है और उसके आधार पर पूरी ताकत लगाई जाती है। लेकिन जो परिस्थितियां थी भाजपा के लिए वो आसान नहीं थी, इसलिए आसान नहीं थी कि लगातार वहां पर जो दीपक बैज ने काम किया था, 2013 में पहली बार दीपक बैज चुनाव जीत कर आए थे और उसके बाद जो उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया था, विधानसभा में वहां के स्थानीय मुद्दों को जिस तरह से उठाया था और बड़े ही अच्छे युवा विधायक होने का परिचय वहां पर उन्होंने दिया था, और इसके बाद 2018 के चुनाव में ये भी पहले से तय था कि दीपक बैज को जो है भाजपा हरा नहीं पाएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी अपनी छवि बना रखी थी और दीपक बैज वहां के सांसद भी हैं, खुद पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पूरे वहां पर एक्टिव रहे हैं। तो इसलिए भाजपा के पास केवल संघर्ष करने का एक मादा था कि नहीं, हमको यहाँ पे राजनीति करनी, बस्तर में अपनी जो अपना जो खोया हुआ जनाधार है उसको वापस लाना, इसके लिए पूरा जोर लगाया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक गए, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो भी गए, वहां पर सभाएं की, प्रयास पूरा किया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पहले ही हमारी कई नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड उस समय बात होती थी, वो पहले से ही ये मानकर बैठे थे कि चित्रकूट में हमारी हार होगी और वो भी पर्याप्त अंतर से होगी, और हालांकि जो पार्टी लाइन होती है उसके मुताबिक दोनों ही राजनीतिक दलों ने वहां पर मेहनत किया था, लेकिन जो पर्यवेक्षक हैं या जो जानकार हैं राजनीति के वो ये मानकर चल रहे थे कि खासतौर पे लोहंडी गुड़ा का जो की जो जमीन वापसी का जो फैक्टर था वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था और उसका एडवांटेज निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलना है, ये बात भी पहले से तय थी। और ये लोहंडी गुड़ा का इलाका जिसको को हार मिल गई है, इस करारी हार के बाद में बीजेपी खेमे में मायूसी है, लिहाजा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मीडिया से मुखातिब हुए थे। उन्होंने कहा था कि समीक्षा करेंगे, तो मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कहा कि किस तरीके से वो समीक्षा करेंगे या क्यों कहां पर हुई है, कम से कम ये तो मीडिया से मुखातिब होते वक्त कहा ही होगा। देखिए, जिस तरह से जो आम चुनाव हुए थे 2018 में और जिस तरीके से भाजपा की हार हुई थी, उस समय भी समीक्षा करने की बात कही गई थी और उस समय बहुत सारी बातें सामने आई थी। एक तो सबसे बड़ा जो कारण समझ में आया था कि जो सत्ता विरोधी लहर, कुछ भाजपा ने जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं हो पाए, किसानों और मजदूरों की समस्याएं थी, किसानों के लिए कांग्रेस ने बहुत अच्छी घोषणाएं की थी, ये तमाम बातें समीक्षा में सामने आई। इसके अलावा यहाँ पर अफसरशाही जो है वो हावी था, ये बहुत सारी बातें जो है उस दौरान सामने आई थी जब 2018 का के चुनाव में जो भाजपा की हार हुई थी, उसके बाद लगातार पार्टी के अंदर बैठकों का दौर चला और उसके बाद फिर से कमर कसने की बात कही गई कि जो हुआ उसको भूल जाए, 15 साल तक हमने छत्तीसगढ़ का विकास किया और यहाँ पर जो है विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित किए, और उस समय ये माना गया कि कांग्रेस की जो लोक लुभावन घोषणा पत्र है उससे प्रभावित होकर जनता ने कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया है और इसलिए वो अब सरकार को हर पल जागरूक करेंगे, सरकार की असफलताओं को उजागर करेंगे, इसके लिए सड़क से लेकर सदन की लड़ाई लड़ेंगे और उसके बाद आगामी चुनाव में जो है बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से एक ट्रेंड होता है और राजनीतिक दलों का लगातार ये काम भी होता है कि कोई भी चुनाव के नतीजे होते हैं उस नतीजों की समीक्षा बाद में होती है, तो चित्रकूट में भी जिस तरह से हार हुई है उसकी समीक्षा भी होगी, जो भाजपा के स्थानीय नेता हैं और जो राज्य स्तरीय नेता हैं उनकी सबकी बैठक होगी, बैठक के बाद तमाम विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि चूक कहां कहां पर हुई, कांग्रेस को कैसे कैसे एडवांटेज, किन कारणों से एडवांटेज मिला। जैसा कि पहले ही भाजपा के नेता ये मानते आ रहे थे कि लोहंडी गुड़ा का एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा सरकार होने का, जो सरकार बने अभी साल भर ही हुए हैं भूपेश बघेल की सरकार और वहां पर जो भी विधायक होगा अभी 4 साल तक विधायक रहेगा, ऐसे में आम जनता के दिमाग में यही होता है कि जो सत्ताधारी दल का विधायक होगा वो हमारी बातों को ज्यादा अच्छे से सरकार तक पहुंचा पाएगा और यहाँ की समस्याओं को हल करा पाएगा। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर चर्चा होगी, विचार होगा और उसके बाद नई रणनीति बनेगी। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी। और इसी बीच अपने दर्शकों को अगली खबर